किन मामलों में गिरफ्तारी हुई है लोगों की? देखिए, एक घटना हुई थी बेलची थाना के बागा टीला में दिनांक 13 जुलाई 2024 की शाम को, जिसमें एक व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें वादी कुंदन कुमार के फर्द बयान पर बेलची थाना कांड संख्या 117-24 दिनांक 14 जुलाई 2024 धारा 103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कुल 6 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया। घटना दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में मेरी अध्यक्षता में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम के द्वारा लगातार इसमें छापेमारी की जा रही थी, सूचना संकलन किया जा रहा था और जो लोग भी सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनके द्वारा नाम भी बताया गया था, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के क्रम में गठित टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है। शेष जो भी बचे अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो घटना का कारण प्रथम दृष्टया जो सामने आया है कि पुराने किसी विवाद को लेकर 2 माह पहले बागा टीला में यज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें मेला भी लगा था और मेला में मृतक एवं अभियुक्तों के बीच मोटरसाइकिल पार्किंग के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था और ऐसा माना जा रहा है उसी झगड़ा को लेकर कुछ तात्कालिक कारण हुआ, जिसके कारण घटना को अंजाम दिया गया। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम विकास कुमार और कृष्णा कुमार, रोहित कुमार पटेल और प्रकाश, तीनों सरवन पांडे पिता का नाम, एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है जो गोपालपुर का रहने वाला है। इस टीम में जो सदस्य शामिल थे उनमें कुवानी सह थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, कुवानी विक्की कुमार सिंह, कुवानी उपेंद्र प्रसाद यादव, ASI अरुण कुमार, ASI कुमार वीरेंद्र एवं अन्य जो हवलदार और कांस्टेबल्स हैं, सभी ने अच्छा काम किया और उनके प्रशस्ति पत्र की अनुशंसा की जाएगी। सर, एक चीज़ और है, बख्तियार